झारखंड पार्टी के प्रत्याशी 26 वर्षीय आदिवासी युवक योगेश कुमार सिंह ने भरा नामांकन पर्चा। योगेश सिंह ने कहा, जनता अगर मौका देती है तो युवाओं को रोजगार व क्षेत्र का विकास करूंगा। चतरा संसदीय सीट से 26 वर्षीय आदिवासी युवक ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। झारखंड पार्टी के प्रत्याशी योगेश कुमार सिंह ने समाहरणालय पहुंचकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह आयुक्त रमेश घोलप के समक्ष नामांकन पर्चा दाखिल किया। वे नामांकन पर्चा दाखिल करने कुछ समर्थकों के साथ पहुंचे थे। योगेश लातेहार के वारियातू खालसा गांव का रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि युवाओं के हित में कोई भी पार्टी बात नहीं कर रही है, सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, क्षेत्र के विकास पर कोई बात नहीं हो रही है। यह सब देखने के बाद मैंने चुनाव लड़ने का मन बनाया है और झारखंड पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। उन्होंने कहा कि अगर जनता मौका देती है तो युवाओं के हित में कार्य करूंगा, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन रोकने का प्रयास करूंगा, क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। चतरा संसदीय क्षेत्र के सभी 5 विधानसभा में D7 फॉर्मूला लागू करेंगे। रोजगार, युवा, स्वरोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, वो चाहे रेल हो, रोड हो, रैपिड रेल हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी क्षेत्र में विकास किया जाएगा। MSME को बढ़ावा दिया जाएगा, गृह उद्योग पर जोर दिया जाएगा जिससे घर में बैठी महिलाएं आमदनी बढ़ा सकती हैं। आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र छात्राओं को आगे की पढ़ाई कराने में सहयोग किया जाएगा। चतरा संसदीय क्षेत्र को शिक्षा का हब बनाया जाएगा। गाँव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि लोगों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने जाति, धर्म, लोभ, लालच से ऊपर उठकर अपने पक्ष में वोट मांगने की अपील की है। मौके पर मानकी सिंह, ज्योति सिंह व अन्य शामिल थे।